हूँ उसका चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पर आप देख सकते हैं ये मुर्गा मुर्गी जो है, इसकी मैंने आपको पहले भी एक टॉक शॉक फनी सी वीडियो भेजी थी और तब तो ये बहुत एक्टिव थे। ये मुर्गी फर्स्ट टाइम इसने अंडा देना स्टार्ट किया था और उसके बाद ये तकरीबन 10-12 दिन हमारे साथ रही और ये डेली बेसिस पे अंडा देती थी। ठीक है, बिल्कुल ठीक थी, बहुत एक्टिव थी, बल्कि मुर्गे को भी गाइड करती थी कि इस तरह से दाना चुगा करो मुर्गे भाई, याद होगा आपको कुछ। खैर, उसके बाद हमारा कुछ टूर था, कुछ टाइम के लिए हमें जाना था और इनको हम कुछ लोगों के पास छोड़ गए इनकी निगरानी, इनकी देखभाल के लिए। बस उनको शायद कुछ ऐसा लगा कि मुर्गियों को कोई रानी खेत की बीमारी हो जाती है, उसके लिए एहतियाती तौर पे इनको पैनाडोल या कुछ इस तरह की मेडिसिन वगैरह देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक ठाक थी, कुछ नहीं था। उन्होंने अपनी मुर्गियों को भी पैनाडोल दे दी एहतियाती तौर पर, यानी वक्त से पहले किसी बीमारी के बगैर ही इसको सबको उन्होंने पैनाडोल दे दी। इसको शायद कुछ सूट नहीं की। अब इसका स्टमक ठीक नहीं है और इसका मेदा भी ख़राब है, मीन्स ये कि मीठे वगैरह ठीक नहीं, नॉर्मल नहीं करती है, निपत्ती करती है और उसके साथ अंडा नहीं देती बिल्कुल, और सहमी सहमी सी रहती है, रेस्ट ज़्यादा करती है, कहीं भी मिट्टी वाली जगह ढूंढ के आराम से वहाँ पर बैठ जाती है, लेटी रहती है, रेस्ट करती है। अब मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ, इसके पीछे पड़ी हुई हूँ, तो ये थोड़ी सी परेशान है, थोड़ी एक्टिव भी है। ये रानी खेत की कोई बीमारी का सुनते ही उन्होंने इसको एडवांस मेडिसिन दे दी और मुझे ऐसा लगता है कि रानी खेत की बीमारी का महसूस होने के बाद दवाई देना ज़रूरी होती है, अगर वो पैनाडोल ही हो तो। खैर, इस हवाले से अगर कोई आपके पास गाइडलाइन हो तो ज़रूर मुझे गाइड कीजिएगा। अभी मेरा यही, मैंने इसके लिए ये सजेस्ट किया है कि इसको मैं डॉक्टर को दिखाती हूँ, इसका जो भी प्रॉब्लम है इसको रिजॉल्व करते हैं, इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, और ऐसा तो ये पकड़ी नहीं जाएगी, इसको इसके हाउस तक पहुँचाते हैं, वहाँ से ये ईजीली पकड़ी जाएगी और उसके बाद इसको डॉक्टर को चेक करवाएंगे। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि आपको इसके हवाले से अपडेट मिल सके कि क्या इसको वो मेडिसिन देने के बाद इसमें बेहतरी आई, और इसके लिए दुआ कीजिएगा कि ये बहुत जल्द सेहतियाब हो जाए, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि ये सेहतियाब हो जाए। अंडे के लालच के अलावा भी मुझे इससे कुछ ऐसे ही लगाव है, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, तो इसके लिए बहुत सारा दुआ कीजिएगा आप सब लोग कि इसको हम जल्द जल्द ठीक कर सकें। और खैर, अब हम इसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, चेक करवाएंगे इसको क्या प्रॉब्लम है। मेरा तो यही अंदाज़ा है कि इसको थोड़ी सी ठंड भी लग गई है, अभी थोड़ी सेंसिटिव ज़्यादा हो गई है, ये हमने मुझे पकड़ ली है, और इसके लिए अब डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन भी मैं आपको इसमें ऐड करवाती जा रही हूँ। ये सब मेडिसिन हैं, अगर इसके अलावा कोई सजेशन हो तो ज़रूर गाइड कीजिए। अल्लाह।